Assalamualaikum, मैं नमन वान, आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वैसे अभी तक तो आप लोगों ने डिसीजन ले लिया होगा कि आप लोगों ने व्हाट्सएप को ही यूज़ करना है, या फिर सिग्नल को, या फिर टेलीग्राम को, या फिर इसके अलावा आप लोग कोई और ऐप को यूज़ कर रहे हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है ओनर V40 के रिलेटेड, जिसकी रियल लाइफ के अंदर एक्चुअल में हमें जो फ़ोन नज़र आएगा, पिक्चर्स लीक हो चुकी हुई हैं और उसके अलावा जो ऑफिशियल रेंडर्स हैं वो भी सामने आ चुके हैं। हम लोग यहाँ पर रियल लाइफ पिक्चर्स की अगर बात करते हैं तो यार बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी ज़्यादा फजूल सा ही आप लोग कह लो कि लग रहा है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो कि हमें रेज सूरज जैसे चमक रहा कैमरा के अंदर वो निकलती हुई नज़र आ रही है, जो पैरेलल एक अजीब सी डिफरेंट टोन के अंदर स्ट्रिप नज़र आ रही है। उसके अलावा बड़ी बड़ी राइटिंग की हुई है, उसके एंड के ऊपर लिखा गया मैट्रिक्स कैमरा ASPH लेंस अल्ट्रा HD। अब इस किस्म की जो राइटिंग्स आती थी, मुझे पता है कि जो पुराने 90s के गैजेट्स होते थे उनके ऊपर लिखी हुई होती थी। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि उन्होंने ख़राब कर दिया, और यहाँ पर अगर मैं सिंपल कैमरा का मॉड्यूल ही मिल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होनी थी। आप लोग इस डिज़ाइन के बारे में क्या सोचते हो, आप लोगों को ये ठीक लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है मीडिया टेक की तरफ से, तो आप लोगों को पता है कि मीडिया टेक बहुत जल्द अपने डायमेंसिटी सीरीज के नए प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला। कहा यह जा रहा है कि एक हमें मिलेगा मीडिया टेक डायमेंसिटी 1100 प्रोसेसर, जो कि 1200 का एक टीयर डाउन वर्जन होगा, यानी कि जो 1200 होगा वो लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा। ये जो 1100 होगा ये उससे नीचे वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके अंदर हमें फुल HD प्लस के साथ डिस्प्ले के साथ 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा। उसके अलावा 108 मेगापिक्सल के कैमरा को भी ये सपोर्ट करेगा। देखते हैं कि किस स्मार्टफोन के अंदर ये प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। अब इसी से कनेक्टेड एक और अपडेट आ रही है रेडमी के 40 सीरीज़ के रिलेटेड, जिसके बारे में एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, चाइना के अंदर से कुछ लीक्स आ रही हैं कि उसके अंदर में दो जो मॉडल्स मिलेंगे वो स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है। प्लस इसके अंदर एक जो वेरियंट होगा वो मीडियाटेक के डोमेस्टिक प्रोसेसर के साथ आएगा। ये चीज़ अब कन्फर्म नहीं है कि वो डोमेस्टिक 1200 के साथ आएगा या फिर 1100 के साथ आएगा, लेकिन इन दोनों में से ही एक्सपेक्टेडली किसी भी प्रोसेसर के साथ वो आ सकता है। अब देखते हैं कि रेडमी क्या करता है, क्या हमें परफॉर्मेंसेज मिलती हैं। अब मुझे लगता है कि मीडिया टेक की ये जो डोमेस्टिक सीरीज़ आई है, इसके बाद मीडिया टेक ने स्मार्टफोन्स के प्रोसेसर की जो गेम है उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। मीडिया टेक को काफ़ी एक ह्यूज स्पाइक मिली है उनकी प्रोग्रेस के अंदर, मतलब कि उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, और ये जो डोमेस्टिक सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। स्पेशली तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं बजट सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की, इसके बाद स्नैपड्रैगन के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि स्नैपड्रैगन मीडिया टेक को टैकल डाउन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ये भी है कि अब से हमारे जो नए प्रोसेसर्स आएंगे उनके अंदर 5G को लेके एक बैटल स्टार्ट होने वाली है कि कौन सी कंपनी चिप्स को बनाती है जो कि ज़्यादा अफोर्डेबल 5G की चिप्स को देती है स्मार्टफोन्स के अंदर। क्योंकि आज के बाद एक चीज़ जो कि स्मार्टफोन को बाय करने से पहले आने वाले 1-1.5 साल के अंदर देखी जाएगी वो ये भी होगी कि क्या वो वाला चिपसेट 5G के सपोर्ट के साथ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्योंकि 1-2 साल के अंदर जो 5G है दुनिया भर के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर तो डेफिनेटली आने ही वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी या फिर कौन सी चिप वाली कंपनी बजट लोअर मिड रेंज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनको लेके आती है, और जो स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर है अभी तक के लिए वो भाई अफोर्डेबिलिटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो फ़ोन्स जिनके साथ वो आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आ रहे हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आ गया, तो सैमसंग का एक स्मार्टफोन है, पता नहीं क्या टैबलेट है, जो कि दुनिया के डिफरेंट सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट होता जा रहा है। अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी टैब M62 है। अब बेसिकली तो ये एक स्मार्टफोन ही लग रहा है, क्योंकि इसके बारे में एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि ये डिफरेंट रीजन के अंदर सैमसंग गैलेक्सी F62 के नाम से भी आ रहा है, लेकिन जो नई लिस्टिंग हुई है इसके अंदर टैब M62 का पता नहीं नाम क्यों आ रहा है। मुझे पहले लगा कि ये टैबलेट है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके अंदर में 7000mAh की बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। अब मुझे लगता है कि ये एफ सीरीज़ का वही स्मार्टफोन है जो कि इंडिया के अंदर आएगा, पाकिस्तान के अंदर तो इसके आने के भी इतने खास चांसेस बनते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी सैमसंग के स्मार्टफोन हर मार्केट के अंदर घूमते फिर रहे हैं, तो जो गैप है वो कहीं पर इतना खास मौजूद नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है हुआवे के रिलेटेड, तो भाई ट्रंप अभी तक गया नहीं है। जब शाओमी के रिलेटेड उसका एक डिसीजन आया था तो मुझे भी लगा था कि यार ट्रंप अभी तक गया नहीं है,
तो अभी जो नया प्रेसिडेंट है उसने हलफ उठाना है, इसकी वजह से अमेरिका के अंदर भाई मिलिट्री जा रही है हर जगह के ऊपर। ये दुनिया को सिखाते हैं कि जमहूरियत क्या होती है वगैरह वगैरह। वैसे मैं जो पॉलिटिकल शोज़ देखता हूँ वहाँ से मैंने ये सुनी है कि ये दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं जमहूरियत डेमोक्रेसी, अब इनका अपना क्या हाल हो गया हुआ है। तो अभी तक ट्रंप गया नहीं है और उसने हवावे के ऊपर जो लास्ट बैन लगाना था जो उसने करतूत करनी थी वो कर दी है। इंटेल के साथ पहले काम कर रहा था हुआवे, इंटेल को लाइसेंस दे दिया गया, तो उसके अलावा कुछ और भी कंपनीज थी जो कि काम कर रही थी, उन सभी के लाइसेंस खत्म कर दिए हुए हैं। हुआवे को बिल्कुल उन्होंने सेपरेट लाइन कर दिया है कि भाई आप किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। और ये ट्रंप का आखिरी डिसीजन है, मतलब कि एक दो दिन रह गए हुए हैं। उसके अलावा जिन कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ था लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, जिसके अंदर गूगल भी शामिल थी, क्वालकॉम भी थी, पता नहीं कितनी भी कंपनीज थी, उन सभी के लाइसेंस की जो रिक्वेस्ट थी उनको कैंसिल कर दिया हुआ कि किसी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो बंदा इलेक्शन हार गया हुआ है उसके पास स्टिल गवर्नमेंट क्यों है। वो तो फिर जाहिर सी बात है गलत डिसीजन नहीं करेगा। वैसे ट्रंप के बारे में उसने कौन से पहले ठीक डिसीजन किया। तो दिस इज द लास्ट बैन ऑन हुआवे, क्योंकि ये ट्रंप ने स्टार्ट की थी सारी चीजें और ट्रंप आखिरी जो अपना काम है वो करके चला गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट कब आ रही है। वैसे आप लोगों में से कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि जो शाओमी वाला डिसीजन लिया ये नए प्रेसिडेंट ने लिया, तो यार नया जो प्रेसिडेंट है उसके पास अभी तक पावर आई नहीं है, उसने अभी तक हल्फ ही नहीं उठाया। वेडनेसडे को आई थिंक उनका जो है जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास उम्मीद है। वैसे मैं डिसअपॉइंट हो गया था कि जब नई गवर्नमेंट आ गई है, मुझे भी पहले लगा था कि नई गवर्नमेंट आ गई है और वो ये डिसीजन ले रही शाओमी वगैरह के, लेकिन नई गवर्नमेंट अभी तक नहीं आई। तो जो होप है हमारे पास अभी भी है। अब एक चीज़ मैं ये भी सोच रहा था कि किस तरह ट्रंप ने मेरे ऊपर अफेक्ट किया, मतलब कि मैं इंडिविजुअल के ऊपर। देखो हुआवे को उसने बैन किया, उसके बाद हुआवे के स्मार्टफोन्स नहीं आ रहे पाकिस्तान के अंदर। अगर आ भी रहे हैं तो आप लोग उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोगों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को अच्छे फ़ोन्स अगर चाहिए तो कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए आप लोग फ़ोन को बाय नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आप लोग फ़ोन ही नहीं बाय करोगे तो मेरा वीडियो बनाने के लिए तो हमें फ़ायदा नहीं है। तो मेरा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है। तो डेफिनेटली अब जो ट्रंप है वो दफा होने ही लगा है। तो देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पोको F2 के रिलेटेड, जो कि पोको F1 का सक्सेसर होगा। इसके रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर सर्कुलेट कर रहे थे। पहले कहा जा रहा था कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G मिलेगा, लेकिन अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर पोको के किसी एम्प्लॉय वगैरह ने इंटरव्यू दिया किसी को, और उसने ये कहा कि इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 732G नहीं मिलेगा बल्कि कोई और प्रोसेसर मिलेगा। देखते हैं कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। एक बात ये भी कही जा रही है कि हमें ये वाला स्मार्टफोन अपर मिड रेंज की किसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लैगशिप एक स्मार्टफोन नहीं होगा। और अपर मिड रेंज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मे भी हो सकता है कि पिछले साल का कोई स्नैपड्रैगन का फ्लैगशिप प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ किया जाए, या फिर जो मीडियाटेक का डोमेस्टिक सीरीज़ का कोई प्रोसेसर जो कि नए आ रहे हैं उनमें से कोई यूज़ कर लिया जाए। देखते हैं कि किस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन आता है। वैसे शाओमी की जो ओवरऑल लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। रेडमी K40 सीरीज़ किस प्राइस रेंज के अंदर आती है, मी 11 सीरीज़ कहाँ पर स्टैंड करती है पाकिस्तान के अंदर, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो क्लियर हो ही जाएंगी। तो बस आज के लिए मेरे पास ये टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।